अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी क्लास, आपको जैसे कि पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटर्स का, गेटिंग स्टार्टेड विद सी। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक करेंगे और वो लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्सेस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। सी लैंग्वेज के अंदर जब हम लोग कोड करते हैं तो कौन से कोड हमारे स्ट्रक्चर्ड कोड कहलाएंगे और कौन से कोड हमारे अनस्ट्रक्चर्ड कोड कहलाएंगे। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना पूरा कोड एक मॉड्यूल में लिख देते हैं, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज लाइक आपके पास ये एक, ठीक है, एक मॉड्यूल है, ठीक है, वाइड मेन। मेन फंक्शन के अंदर आप अपना सारा कोड एक सिंगल मॉड्यूल में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें आपने अपने पूरा प्रोग्राम सिर्फ एक ही मॉड्यूल में लिख दिया, एक पार्ट में लिख दिया है, एज इट इज़। पूरी जितनी भी स्टेटमेंट थी, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, उसको सिर्फ एक मॉड्यूल में डिफाइन किया, ठीक है, एक मॉड्यूल में अपने पूरे फंक्शन की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर दिया। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या कहलाती है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसमें हम लोग अपने जो प्रोग्राम की इंटायर लॉजिक होती है उसको एक कोड में, एक मॉड्यूल में इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इनका क्या मसला होता है भाई, इनके नेगेटिव पॉइंट्स हमारे पास काफ़ी सारे आते हैं। अब वो कौन से नेगेटिव पॉइंट हैं, ठीक है, थीके? एक तो सबसे पहले ये होता है कि इसमें एरर डिडक्शन जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। एरर डिडक्शन डिफ़िकल्ट, इसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना इसको डिफ़िकल्ट है। पहली चीज़, इसमें से गलतियां निकालना मुश्किल है, उसके बाद इसको समझना मुश्किल है, ठीक है, उसके बाद इसको मॉडिफाई करना भी मुश्किल है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एंड डिफ़िकल्ट टू डीबग, डीबग करना भी मुश्किल है। इसमें से एक तो एरर फाइंड करना मुश्किल, एरर डिटेक्ट करना, दूसरा एरर्स को रिमूव करने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना भी मुश्किल है, इसमें हम लोग एरर को रिमूव करना भी मुश्किल है। तो हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज होते हैं। ये फ्लॉज किस वजह से हैं कि हम लोग जितना भी इंटायर लॉजिक है प्रोग्राम को उसको एक मॉड्यूल में लिख रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट काफ़ी सारी होती हैं जिसकी मदद से उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है, इसमें से एरर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और ये कि इसमें चेंजिंग करना मुश्किल हो जाता है, और साथ में आपके जो एरर्स होते हैं उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करना और इनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे पास थी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी तरफ आ जाती है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम के मॉड्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है। लाइक आपके पास है वाइड मेन, इसमें आप क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के मॉड्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है, एक मॉड्यूल बना लिया, ठीक है, एक मॉड्यूल के अंदर आपने दो मजीद मॉड्यूल बना लिया, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह आप अपने प्रोग्राम्स को नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनकी मदद से इसमें से गलतियां निकालना, एक पूरे कोड में से गलतियां निकालना मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, इन पार्ट्स में नंबर ऑफ लाइंस कम होगी, तो इन नंबर ऑफ लाइन की वजह से आप इजीली एरर डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो एरर डिडक्शन है वो इजी है, इसको समझना आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मॉडिफाई, इसमें चेंजिंग करना आसान है, एंड इजी टू डिबग, इसमें से डिबगिंग करना आसान है, गलतियां निकालना और देन उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना आसान है।
तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसके फीचर्स हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग अपने कोड को डिफरेंट मॉड्यूल्स में, पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जब हम अपने कोड को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, उसको समझना आसान होता है, उसमें से गलतियाँ निकालना आसान होता है, उसको डिबग करना आसान है, उसमें चेंजिंग करना, उस कोड में चेंजिंग करना बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग फंक्शंस बना लेते हैं हर एक, जैसे ये फंक्शन वन है, ये टू है, थ्री फोर, हर एक फंक्शन अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है और प्रोग्रामर के लिए बहुत आसान होता है, इसको कोड लिखने में कम टाइम लगता है, इसकी जो कोड जनरेशन होती है वो फास्ट होती है, एरर डिडक्शन फास्ट होती है। इन शॉर्ट हमारी जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इज़ मोर कन्वीनियंट लैंग्वेज एज कम्पेयर टू द अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी सारी ईजीनेस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इसमें कोडिंग करना आसान है, कोडिंग को समझना आसान है, उसमें से एरर फाइंड आउट करना आसान है, एट द एंड उन एरर्स के सोल्यूशन प्रोवाइड करना भी आसान है। तो ये हमारे पास था कि स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपके सामने है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द होल इन लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज रिटन इन अ सिंगल मॉड्यूल, एंड इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी डिवाइड द प्रोग्राम इन टू डिफरेंट मॉड्यूल्स, ठीक है, दीज मॉड्यूल्स परफॉर्म दिस स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, ठीक है, दैट्स वाई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मोर कन्वीनियंट लैंग्वेज एज कम्पेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। क्लास हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने सी लैंग्वेज को डिस्कस किया। पहले सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी कि कौन कौन सी हमारे पास लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, फिर उसमें से हमने सी लैंग्वेज को डिस्कस किया। सी लैंग्वेज हमारे पास एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज की, ठीक है, उसके बाद फिर हमने ट्रांसलेटर्स देखे, करेक्टरिस्टिक्स देखी सी लैंग्वेज की, उसके बाद कि हम प्रोग्राम को किस तरह लिखते हैं, उनके स्टेप्स क्या हैं, प्रोग्राम के अंदर बग एंड डीबगिंग क्या होती है, एरर्स क्या होते हैं, उन एरर्स की क्या टाइप्स हैं, उसके बाद हमने डीबगिंग फीचर्स देखे टर्बो सी प्लस प्लस के, और एट द एंड जो हमारा टॉपिक था वो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे था। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया, होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर्स बिल्कुल समझ आए हों। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्लास वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।